तो दीन इस्लाम नाम है दर हकीकत अल्लाह ताला के हुक्मों को मानने का। तो हम अपनी ज़िंदगी के जिस शोबे में ज़िंदगी गुजार रहे हों, हमें चाहिए कि हम इसको मालूम करें कि इस शोबे में अल्लाह का हुक्म क्या है। मैं कपड़ा बेचने के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि कपड़े में किस तरह से उसको बेचा जाए तो वो जायज़ होता है, अल्लाह की बरकतें उसके साथ शामिल होती हैं, और किस तरह से बेचा जाए तो वो नाजायज़ हो जाता है। मैं अगर सोने चांदी के ज़ेवरात गहने बनाकर घड़कर बेचता हूँ, उस शोबे से मुतालिक हूँ, तो मुझे शरीयत का हुक्म मालूम होना चाहिए कि सोने चांदी की ख़रीद व फरोख्त और बे व शरा किस तरह से की जाती है, और किस तरह से जायज़, और किस तरह से, और क्या बोलने से और क्या तोलने किस तरह से करने से क्या हराम होता है, ये मालूम होना चाहिए। और इसी का नाम दीन और शरीयत है।